सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBM की आई हुई बिल्कुल नई जॉब वैकेंसी के बारे में, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ये जॉब आई है। आप ऑल इंडिया से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। आपकी एज 18 है मिनिमम अप्लाई करें, मैक्सिमम अगर आपके 46 तक भी है तब भी आप यहाँ एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में समझाने वाले हो, क्या आपका काम यहाँ पे रहेगा डिटेल में समझाऊंगी, कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना होगा, क्योंकि आप में से कोई भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई के लिए मैं आपको स्क्रीन पे चल के बताऊंगी, ठीक है, अप्लाई इन वैकेंसी में आपको कैसे करना होगा। वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो कि IBM की तरफ से है। सेकंड चीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जॉब है, कोई भी आप में से यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई इन वैकेंसी में कर सकता है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, जॉब प्रोफाइल क्या, वर्क क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है, ध्यान से समझिएगा। और दो चीज़ें तो बिल्कुल ध्यान से समझना, पहली आपकी अप्लाई स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है लेकिन ध्यान से समझना, बहुत ईजिली आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। जहाँ पर मैं आपको प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके बताऊँगी अप्लाई स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, उसके बाद अप्लाई के बाद मैं आपको बताऊँगी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपकी इसमें कैसे होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ऑल इंडिया में, ताकि वो भी इसके लिए अप्लाई जो है वो कर पाए, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली जो वीडियो चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं IBM की बिल्कुल नई जॉब वैकेंसी के बारे में। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी IBM एक ड्रीम कंपनी है, काफी टाइम के बाद इन्हीं की तरफ से अपडेट आया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जॉब का। तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहां पे फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मिनिमम एज 18 अप्लाई करें, मैक्सिमम अगर आपके 46-44 के अराउंड भी है तब भी आप इन वैकेंसीज में एलिजिबल हो और अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल इंडिया सिटीजन कैंडिडेट इनवाइटेड है, मतलब आप इंडिया में किसी भी सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन से बिलोंग करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और, आपको यहाँ कोई फ़ी पे नहीं करनी है, कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। आपको अगर IBM के नेम पे कोई बोलता है आप फ़ी पे कर दीजिए, जॉब दिलवा देंगे, कभी किसी को पे मत करना, क्योंकि कभी भी आपको IBM किसी जॉब के लिए पे करने को बिल्कुल भी नहीं बोलता है, बिल्कुल फ्री में अप्लाई आपको करना है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको काम समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे चल के बताऊँगी आपके अप्लाई कैसे करना है, देन आपको बताऊँगी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपकी कैसे इसमें ईजिली हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब मैं आपको वर्क बताऊँ, तो देखिए IBM के जो भी कस्टमर्स है या जो भी क्लाइंट है, ठीक है, वो क्या डॉक्यूमेंट अपने प्रोवाइड कर दिया। अब डॉक्यूमेंट देखिए उनके बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड्स का भी हो सकता है, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। तो आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए क्या वो वही प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड चीज, जो डॉक्यूमेंट जैसे वो आधार कार्ड, एक तरफ पैन कार्ड है, एक तरफ आधार कार्ड है, आपको प्रोवाइड करा, तो ऐसा तो नहीं है कि पैन कार्ड पे उनका कोई और नेम है, आधार कार्ड पे कोई और नेम है, या फिर कोई फोटो ब्लर तो नहीं है। ये आपका बेसिकली काम है, इसको वेरीफाई आपको करना है, ये आपका काम यहाँ रहेगा। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको पहले साइट पे लेके चलती हूँ कैसे अप्लाई करना है, देन बताऊंगी सिलेक्शन कैसे होनी है। तो IBM की वैकेंसीज के लिए हम डायरेक्ट आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे कोई फी नहीं देनी है, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करिएगा, मेल फीमेल दोनों। यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, तीनों के तीनों जो प्रोफाइल है ये KYC का आपका काम है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आप जॉब आपकी रहने वाली है। यहाँ पे दो पोस्ट का मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा दूंगी कैसे आपको अप्लाई करना है, थर्ड के सेम तरीका है अप्लाई करने का। पहले यहाँ पे प्रोसेस एनालिस्ट रिस्क एंड कंप्लायंस की है, सेकंड असिस्टेंट मैनेजर रिस्क एंड कंप्लायंस, थर्ड है सीनियर प्रोसेस एनालिस्ट रिस्क एंड कंप्लायंस की। मैं आपको फर्स्ट और थर्ड का ही बता दूंगी, ठीक है, अप्लाई करके। तीनों का सेम है प्रोसेस अप्लाई करने का, ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जॉब रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है आपको जो मिलने वाले हैं IBM के जो भी कस्टमर या जो क्लाइंट होंगे वो आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, आपको बस उसको वेरीफाई करना, ये आपका सिर्फ काम रहेगा, कोई एग्जाम नहीं है, कोई भी अप्लाई यहाँ कर सकता है। यहाँ पे देखिए मैंने क्लियरली मेंशन भी किया है आपको KYC रिव्यू यहाँ पे करना होगा, ठीक है। एज आपकी 18 प्लस है, आप अप्लाई यहाँ करें, कोई भी आप में से अप्लाई कर सकता है। आपको इधर लास्ट में चले जाना है, देखिए लास्ट में आप जाएंगे, इधर आपको लिंक मिलते हैं अप्लाई करने के लिए, पहला लिंक पहली नोटिफिकेशन का, सेकंड एंड थर्ड का, ठीक है। पहले हम यहाँ पे पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैंने जैसे बताया फर्स्ट और थर्ड का बता दूंगी कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, किसी तरीके का आपको कोई भी डाउट
ना रहे। ठीक है, पहली प्रोफाइल पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। क्लिक करा तो हमारे सामने ओपन हो जाती है सीनियर प्रोसेस एनालिस्ट रिस्क एंड कंप्लायंस की वैकेंसी, जो कि देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एंट्री लेवल या आपकी प्रोफाइल है, कोई भी आप में से यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, IBM किस तरीके से काम करता है, ठीक है, वो आप यहाँ रीड कर सकते हैं। मुझे जरूरत भी नहीं आई थिंक IBM के बारे में डिटेल में बताने की, क्योंकि आप में से सारे यहाँ पे जानते ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए काम आपका एनालिस्ट रिस्क एंड कंप्लायंस का यहाँ पे रहने वाला है, जो कि इनका बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशंस के लिए आपका ये काम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड KYC रिव्यू, एक्सपेंडेड ट्रांजेक्शन रिव्यू, ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, यहाँ पे जो आपका काम रहेगा इसमें आपका KYC का काम है पहली बात, तो आपको डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करना होगा, इसके अलावा ट्रांजैक्शन रिव्यू आपको करना होगा, कोई ड्यू तो नहीं है उसके रिगार्डिंग आपको करना होगा, जो भी इनका CTR फिलिंग का रिव्यू है, सारी ट्रेनिंग IBM आपको देगा। आप डरिए मत, बहुत ही सिंपल आपका ये काम है, आप यहाँ पे ध्यान से सारी चीजों को रीड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन वैकेंसी के लिए कोई भी अप्लाई यहाँ पे आप में से कर सकता है। अब ये पहली प्रोफाइल है, ठीक है, पहले मैं आपको सेकंड प्रोफाइल पे लेके चलती हूँ, देन बताऊंगी अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सेकंड, ये जो पहली प्रोफाइल है सीनियर प्रोसेस एनालिस्ट की, सेकंड आपकी प्रोसेस एनालिस्ट रिस्क एंड कंप्लायंस की अगेन। ठीक है, ये भी आप में से हर कोई अप्लाई यहां कर सकता है, यहां पे भी आपका काम जो है वो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी यहां पे बताया है। बस फर्क इतना है कि यहां पे ये जो आपका काम है अकाउंट प्रोसेस के लिए रहने वाला है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करेगा, जो ईमेल्स आती है उनको आपको रिवर्ट करना होगा, ठीक है, रिप्लाई बेसिकली करना होगा जो भी ईमेल्स आ रही है। इसके अलावा अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेंगी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के लिए ही। इनका ना एक सॉफ्टवेयर होता है CRM, ठीक है, इसके अलावा जो ये जो CRM है वैसे तो सिंपल सा ही होता है ये सॉफ्टवेयर, जहां पे जो आपके पास डिटेल्स आपको वहां पे लिखनी होती है, सपोज दैट आपसे नाम मांग रहा है कस्टमर का, आप नाम लिखें, ठीक है, एड्रेस मांग रहा है, आप एड्रेस लिखे, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाती है, डोंट वरी। ठीक है, ये आपका CRM डेटाबेस का यहाँ पे काम जो है वो रहेगा। इसके अलावा जो भी क्लाइंट इनके है उनके जो भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है उसका आपको फॉलोअप रखना है, अगर आपको लगता है कि क्लाइंट से वो डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत है तो आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा जनरेट करना है, मर्ज करना है, आपको ईमेल करना है क्लाइंट वेलकम लेटर्स, ठीक है, आपको करना होगा, जो इनके न्यू कस्टमर्स या न्यू क्लाइंट आ रहे हैं उनको आपको वेलकम लेटर्स जो है वो सेंड करना होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक काम रहेगा, सारा कुछ यहाँ वैसे लिखा है, आप रीड भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ काम जो है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया पहली प्रोफाइल का अलग तरीका है अप्लाई करने का, इस प्रोफाइल का अलग है, बता देती हूँ कैसे। इधर क्लिक करके अपने आपको रजिस्टर करना है, यहाँ क्लिक करके लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन आप तभी करेंगे आपको अगर आपने ये रजिस्टर किया हुआ, तो यहाँ पे रजिस्टर करना है, पहले आपको रजिस्टर टू अप्लाई पे क्लिक करा, आपने क्या करना है, अब अपना फुल नेम लिखना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड रखिएगा यहाँ पे, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, जो कि आपका सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद ये जो लॉगिन टू अप्लाई की आपको ऑप्शन दिख रही है, यहाँ क्लिक करके ईमेल आईडी पासवर्ड लिख के लॉगिन हो जाना, अपना नेम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन क्या है, कब कहाँ से आपने पास आउट किया है, वो सारी डिटेल्स आपको एज इट इज यहाँ पे लिख के सबमिट पे क्लिक करना है, आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जो इससे पहले मैंने आपको प्रोफाइल बताई है इसका सीधा इनकी ऑफिशियल साइट पे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे, आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो जो फील्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे एक तो आपको ऑप्शन मिल जाती है यहाँ पे ज्वाइन करने की, ठीक है, यहाँ पे या तो आप यहां से क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपको इधर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा है ना नो थैंक्स कंटिन्यू टू अप्लाई, यहाँ क्लिक कर दे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये इंटरफेस थोड़ा ओपन करने में टाइम लेता है, ये देखिए इनकी ऑफिशियल साइट ही सीधा यहाँ पे ओपन हो गई, यहाँ पे सारी डिटेल्स को लिखा गया है, क्या काम है, कैसे आपको यहाँ पे जॉब मिलने वाली है। अब लास्ट में देखिए अप्लाई टू जॉब की ऑप्शन मिलती है, सेव की ऑप्शन मिलती है, सेव करके रखना चाहते हैं सेव करिए, अदरवाइज आप यहाँ अप्लाई टू जॉब पे क्लिक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करा, अब यहाँ पे ये आपको बोल रहा है कि साइन इन विद लिंक्डइन में आप क्लिक करके अप्लाई करें, या फिर साइन इन विद फेसबुक आप करके अप्लाई करें, या साइन इन विद ट्विटर पे क्लिक करके अप्लाई करें। ठीक है, ये तीनों तरीके से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ चीज ये भी है, आप यहाँ मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे ये ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखना है आपको। ठीक है, जो आप रजिस्टर करते वक्त अपना रखेंगे ना वो लिखना है आपको, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, यहाँ पे आपको देखिए ईमेल आईडी,
जो पासवर्ड लिखना है वो लिखना है जब आप अपना अकाउंट यहाँ बनाएंगे। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, डोंट हैव एन अकाउंट येट, तो आपको यहाँ क्लिक करके अकाउंट बनाना है। क्लिक करा हमने, यहाँ पे अग्री पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे हमने क्लिक करा तो यहाँ पे ईमेल आईडी लिखो, पासवर्ड लिखना है, ठीक है, उसी पासवर्ड को री एंटर करना है, यहाँ शो कर देना, आपको दिख जाएगा कि आप लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपसे कुछ इस तरीके से सिक्योरिटी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपको बस यहाँ पे सिंपल सा आंसर देना है, किसी भी एक सिक्योरिटी कोड को आपको सिलेक्ट करना है, उस सिक्योरिटी कोड का आपको आंसर देना होगा। जैसे यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, ठीक है, या फिर वेयर इज योर फेवरेट वेकेशन स्पॉट, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप एक पे क्लिक करके उसका बस आंसर कर दीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक जैसे ही करा उसके बाद अपना नेम लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जो डिटेल्स मांग रहा है एज इट इज लिख देना, ठीक है। देखने को मिल रही थी ना जहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा था, अब हमने रजिस्टर करते वक्त यहाँ ईमेल आईडी पासवर्ड अगर रख ही लिया है तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ नो दोबारा हमने बैक ऑप्शन पे जाना है, जहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाती है ऑप्शन, आपको यहाँ पे अप्लाई टू जॉब पे क्लिक करना है। अब यही पे आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड की ऑप्शन आ रही थी ना, वो ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ लिख के लेटेस्ट रिज्यूम पे अपलोड करके सिंपल आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका इन वैकेंसीज के लिए यहाँ पे जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई जो है हो जाएगा। आईबीएम की ये जो वैकेंसीज मैंने आपको बताई है ये आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको प्रॉपरली यहाँ गाइड किया है वैसे वैसे ही आपको यहाँ पे अप्लाई जो करना होगा, जो जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है वो एज इट इज आपको यहाँ पे फिल करते जाना है, तब ही आपको इन वैकेंसीज के लिए सक्सेसफुली जो है वो अप्लाई कर लेना है ऑल इंडिया, मेल एंड फीमेल दोनों को। तो जो जो स्टेप बताए हैं आपको उन्हीं स्टेप को फॉलो करके अप्लाई करिएगा, आपका सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करती है कि इन वैकेंसीज में अप्लाई तो किया, अब सिलेक्शन कैसे होनी है। देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब तो नहीं है बट जिस तरीके से अपडेट आया है, ठीक है, यहाँ पे आपका वर्चुअल इंटरव्यू हो सकता है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है, अगर रिक्वायर्ड होगा वॉक इन भी हो सकता है, ठीक है, वो उनके एचआर के ऊपर डिपेंड करता है। So, उससे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज होनी जरूरी है कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड, तभी कॉल आएगी ना। तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होने के लिए आपका पहले फोकस होना चाहिए आपके रिज्यूमे के ऊपर, ठीक है। तो रिज्यूमे आपको बिल्कुल अट्रैक्टिव सा बनाना है ताकि सामने वाला आपकी प्रोफाइल को देखे, आपका शॉर्टलिस्टेड कर पाए रिज्यूमे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप उनको फेस टू फेस नहीं मिल रहे हो, आप ऑनलाइन अप्लाई करें वो हायर आपको कैसे करेंगे अगर आपको शॉर्टलिस्टेड करेंगे, शॉर्टलिस्टेड कैसे करेंगे रिज्यूमे के बेसिस पे। तो पहले रिज्यूमे अच्छा सा बनाना, अपडेटेड बनाना। अगर रिज्यूमे से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, उससे क्या होगा मेरे पास कमेंट ज्यादा आएंगे कि मैम हमें रिज्यूमे से रिलेटेड वीडियो ला दीजिए, क्योंकि वो जो रिज्यूमे मैं आपको बताऊंगी ना वो रिज्यूमे सिर्फ आईबीएम में नहीं, आईबीएम के साथ साथ विप्रो, गूगल, Amazon, Flipkart, PhonePe एंड अदर कंपनीज के लिए भी वही वाला रिज्यूमे आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो, रिज्यूमे आपके की वीडियो आए, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा। और हमारे चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।